ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन में चाट टिक्की और मोमोज आजकल बेहद प्रचलित हैं। युवा बड़े शौक से इन स्वादिष्ट व्यंजनों को मजे के साथ खाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जो इसे बेच रहे हैं वे जाने अनजाने में आपको व्यंजनों के साथ साथ बीमारियां भी परोस रहे हैं। अगर आपको पता नहीं है तो हम बताते हैं कि जब ये व्यंजन परोसते हैं तो इनके हाथ धुले हैं या नहीं, ये हम नहीं जानते। बीमारियां ना फैलें इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने कई नियम बनाए हैं और इसकी जानकारी भी व्यंजन बेचने वालों को समय समय पर दी जाती है। सोलन में चाट टिक्की और मोमोज आजकल बेहद प्रचलित हैं। युवा बड़े शौक से इन स्वादिष्ट व्यंजनों को मजे के साथ खाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जो इसे बेच रहे हैं वे जाने अनजाने में आपको व्यंजनों के साथ साथ बीमारियां भी परोस रहे हैं। अगर आपको पता नहीं है तो हम बताते हैं कि जब ये व्यंजन परोसते हैं तो इनके हाथ धुले हैं या नहीं, ये हम नहीं जानते। क्या व्यंजन परोसने वाला किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित तो नहीं, ये भी हम नहीं जानते। ये बीमारियां ना फैले इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने कई नियम बनाए हैं और इसकी जानकारी भी व्यंजन बेचने वालों को समय समय पर दी जाती है और आवश्यक दिशा निर्देश के साथ साथ उन्हें चेतावनी भी दी जाती है कि अगर वे नियमों की अवहेलना करेंगे तो उन पर सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी खाद्य पदार्थ विक्रेता नियमों की पालना नहीं करते और खाने के नाम पर बीमारियां परोस देते हैं। अधिक जानकारी देते हुए खाद्य सुरक्षा सहायक आयुक्त एलडी ठाकुर सोलन स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि वे 140 स्ट्रीट फूड वेंडरों को व्यंजन परोसते हुए क्या सावधानियां रखनी है इसके बारे में कार्यशाला लगाकर उन्हें जागरूक कर चुके हैं। यही नहीं, कार्यशाला में आने वाले वेंडरों को उनके द्वार निःशुल्क कैंप ग्लव्स और एप्रिन भी दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी वे इन्हें पहन नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही शहर का औचक निरीक्षण करेंगे और अगर कोई भी विक्रेता नियमों की पालना करता नहीं पाया जाएगा तो उसका चालान किया जाएगा। एक्शन लगातार हमने ले ही रहे हैं। इससे पहले भी एक बार हमने माल रोड का इंस्पेक्शन किया था और जो लोग उस टाइम हमको इंस्पेक्शन के दौरान मिले थे वो नेक्स्ट इंस्पेक्शन में वो नहीं मिले, तो जो दूसरी बार इंस्पेक्शन करके भी बिना ग्लव्स और बिना लाइसेंस के बेच रहे थे उनको भी एक मौका हमने दिया था कि वो उस दौरान अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें और जो भी फूड आर्टिकल बेचना है उसको पूरी सेंट्री और हाइजीनिक कंडीशन में बेचना है। वो आप ग्लव्स पहने, हेड कवर लगाएं, उनके पास डस्टबिन हो, प्रॉपर पानी की व्यवस्था हो, तो अगर इस तरह से भी कोई पाया जाता है तो अब उसके चलान होंगे। इसी तरह से हमने एक मौका साई रोड बद्दी में भी इंस्पेक्शन किया था और उनको भी कहा था कि आप ग्लव्स पहन के सर्व करोगे और जिनके पास रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस नहीं है वो पहले लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन बनवाएंगे। तो वहां पर भी हमें दूसरी बार इंस्पेक्शन पर कुछ लोग रेडी वाले ऐसे मिले जिन्होंने अभी तक भी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन नहीं बनवाया था, तो उनके चलान किए। 7 ऐसे परमिशन के हमने चलान किए और उनको अब हम कोर्ट में पेश करेंगे। और वहां पर खुले में जो मसाले बेच रहे थे उनमें से जो एक लाल मिर्च था जिसमें शक था कि इसमें कलर मिला हो सकता है तो उसका सैंपल लेके एनालिसिस के लिए भेजा है। तो हर बार जब हम इंस्पेक्शन करते हैं नया स्ट्रीट फूड वेंडर वहां माल रोड पर होता है, हमने 140 को फ्री ऑफ कॉस्ट फास्टैग की ट्रेनिंग करवाई थी जिसमें इनको एप्रन और ग्लव्स और हेड कवर करने के लिए कैप हमने फ्री में इनको एक बार दे दिया था। उसके बाद अगर वो उसको गुम कर देते हैं या वो टूट फट जाती है तो उसको रिप्लेस करके नया लेना वो तो एफयू की जिम्मेवारी है। अगर किसी का ऐसा पाया गया तो उसका हम चलान करेंगे।